हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम देखेंगे जेल लाइनर कैसे लगाना है, जेल लाइनर कैसे लिक्विड लाइनर से अलग है और कितना इजी है जेल लाइनर के साथ वर्क करना। तो इसको सिखाने के लिए मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट विंग आया है और कितना इंटेंस ब्लैक है। तो आइए सीखते हैं फिर कैसे पाना है ये लाइनर। जेल लाइनर लगाना सीखने के लिए आज जो हम लाइनर यूज़ कर रहे हैं वो है मेबलिन का जेल लाइनर। आप बहुत सारे जेल लाइनर्स हैं मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस जेल लाइनर के साथ एक ब्रश भी आता है, तो आप चाहें तो वो ब्रश यूज़ कर सकते हैं या अपना कोई भी फेवरेट जिस ब्रश के साथ आप कंफर्टेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आज जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो एक एंगल ब्रश है, ऐसा इंक्लाइन एंगल ब्रश है। इससे बहुत अच्छा और बहुत क्लीन विंग आता है, इसलिए मैं ये ब्रश यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्रश में इसकी टिप में थोड़ा सा लाइनर लेना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट। हमें बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर वर्क करना है। आप एक बार में, आप चाहेंगे कि एक बार में ग्लाइड किया और एकदम से परफेक्ट लाइनर आ जाए, परफेक्ट विंग आ जाए, तो वैसा नहीं होगा। तो हमें हल्का सा प्रोडक्ट लेना है, एक्सेस थोड़ा निकाल देना है। एक्सेस आप हाथ में निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। उसके बाद आपको मिरर में सामने देखना है, आंखें बंद नहीं करनी है। अगर आप बंद कर देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ जा रहा है। आपको लगेगा कि आप सही लगा रहे हैं मगर वो सही लगेगा ही नहीं। लैशेस के पास लगाना है आपको, वो दूर चला जाएगा या उसका सही शेप नहीं आएगा। तो हमें सामने देखते हुए लगाना है। मिरर थोड़ा ऐसा इंक्लाइन रखें ऐसे, और ब्रश लेकर लैश लाइन के एकदम पास रखें। विंग बनाने के लिए पहले ऐसे ब्रश प्रेस करें। आपके ब्रश में ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो उसे आपकी जहां लाइन खत्म होती है वहां प्रेस करें, और उसके बाद लैश लाइन के पास लगाएं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इससे। अब हम सेंटर की लाइन करेंगे, फिर आएंगे सामने, हमें बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस में वर्क करना है। और जेल लाइनर से आप सही विंग इसलिए ला सकते हैं क्योंकि ये आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है। फिर हमें थोड़ा और अमाउंट लेना है। अब ये जो हमने विंग बनाई थी इसे हमें ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली और कितना स्मूथ विंग आया है। थोड़े थोड़े फ्रैक्शन में हमने वर्क किया है और इतना स्मूथ आया है। और जो फिर लाइन बचे, आप अपर वाटर लाइन टाइट लाइन करना ना भूलें, वरना लाइनर और लिड के बीच में जो गैप दिखेगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपको नीचे नहीं लगाना है तो ध्यान रहे, आप बहुत ध्यान से लाइन करें अपर लिड। आप देख सकते हैं कितना इवन विंग आया है। सेम चीज़ अगर आपको मुश्किल हो रही है इससे, वैसे तो ये एंगल ब्रश से आपका एकदम परफेक्ट विंग आ जाएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम में अपनी लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ डैप करना है और उसके बाद लास्ट में आपको ज्वाइन कर देना है। अगर आपको तभी भी मुश्किल हो रही है तो आप टेप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो मैं टेप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेप यूज़ करती हूँ और इस आई में बताती हूँ। तो मैंने ये टेप लिया है, अब इसे आप हाथ पर एक बार चिपका कर इसका ग्लू थोड़ा कम कर दें।
क्योंकि आपकी स्किन यहाँ आँख के पास की बहुत सेंसिटिव होती है। आपने अभी तो टेप लगाएंगे आप लाइनर लगाने के टाइम, मगर जब उसे निकालेंगे तो खिंच सकती है आपकी स्किन, उससे डैमेज हो सकती है। एकदम कॉर्नर पे प्लेस करेंगे टेप, जहाँ के आपकी लिड ख़त्म होती है वहाँ पे। अब हम सेम एंगल ब्रश से प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है कि आपका ब्रश सीधा है कि नहीं या सही है कि नहीं, आपका लाइन आपका जो विंग है वो वैसे ही आएगा जैसा कि टेप प्लेस हुआ है। तो हम फिर पहले यहाँ ब्रश से डॉट करते हैं, लिटिल अमाउंट में हमने प्रोडक्ट लिया है, बहुत थोड़ा, और फिर यहाँ लाइन बनाई है। अब आइस के कॉर्नर में, फिर सेंटर में मूव होते हुए फिर हमें सामने से जॉइन करना है। अब इसे हमें आगे से जॉइन कर लेना है। अब जब लाइनर हो जाए तो आप टेप निकाल दें, तो आप देख सकते हैं कितना लंबा विंग आया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा और क्लीन करने के लिए और लंबा विंग दे दिया है मैंने। जैसा आप देख सकते हैं, अब मैं इसे भी इवन करती हूँ। अब मैंने दोनों तरफ इवन कर लिया है। आपको मैच करना है कि दोनों आई एग्जैक्ट लगना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कोई थोड़ा छोटा कोई थोड़ा लंबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब सेम कलर कंसीलर, मतलब जो आपके स्किन से एकदम नियर हो, जो आपके फाउंडेशन से एकदम मिलता हुआ हो। यहाँ मैं मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ मीडियम शेड में, मेरी स्किन का कलर ये वाला है, तो मैं ये कलर ये लेकर उसकी एज और शार्प करूँगी, उसका लुक और थोड़ा क्लीन। और अब उसे फिंगर से ब्लेंड कर लें। सेम इस साइड, तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर और कितना विंग लाइनर लगा है जेल लाइनर से। जेल लाइनर ही आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपको एकदम परफेक्ट विंग चाहिए तो, क्योंकि लिक्विड लाइनर आप यूज़ करते हैं तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा मूव होता है। तो इसीलिए इतना जेल लाइनर इतना थिक होता है कि आपको इतना कंट्रोल मिलता है कि आप अपना विंग किसी भी तरफ डेविएट कर सकते हैं। अब मैं इसे लैशेस लगाकर कंप्लीट करूँगी। मैंने ऑलरेडी ग्लू लगा रखा था लैशेस में, आप चाहें तो आप लैश प्लकर यूज़ कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली हैंड से लगाऊंगी। अब इन्हें नेचुरल लैशेस के साथ पुश करें। और ध्यान रहे, जब आप लैशेस लगा रहे हैं, फॉल्सीज लगा रहे हैं, तो आपकी आईज क्लोज ना हो, आपको सामने स्ट्रेट मिरर में देखना है, तब
ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो मैं दूसरी लूँगी और एकदम नेचुरल लैश लाइन के पास लगाना है। फिर इसे पुश करें। अब अगर ग्लू दिख रहा है उसका, तो हम ब्लैक आई शेडो लेकर, मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का द न्यूड्स, इसका ये जो डार्क चारकोल ब्लैक है इसे लेकर मैं लैशेस पे लगाऊंगी। तो फ्लैट ब्रश में ब्लैक शेडो लेकर हमें सामने की तरफ देखते हुए लैशेस पे लगाना है ताकि जो ग्लू है वो कवर हो जाए। और अगर आप अपनी जेल लाइनर पे ब्लैक आई शेडो लगाते हैं तो उससे उसका स्टेइंग पावर और बढ़ जाता है, वो स्मच प्रूफ हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसका ब्लैक कलर इंटेंस हो गया है और जो लैश ग्लू है वो भी पूरा छुप गया है। तो ये था कि आप जेल लाइनर कैसे लगाएं, कैसे यूज़ करना है हमें, और किस तरह से आप परफेक्ट विंग लाइनर पा सकते हैं जेल लाइनर से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और आगे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।